नमस्कार मित्रों, मैं विशाल सिंह वीकॉम ई लर्निंग में आपका स्वागत करते हैं। आज हम बिजनेस एनवायरनमेंट के नेक्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल सिस्टम के विषय में बताएंगे। द वर्ल्ड ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल करेक्टर इन द फ्रेमवर्क असेंबल ऑफ द फैक्ट्स प्रिंसिपल्स कंपोनेंट रिलेटिंग ऑफ द प्रैक्टिस फील्ड्स वर्ल्ड स्पेसिफिक पर्पज। फाइनेंशियल कैरेक्टर का एक प्रोफार्मा आपको प्रस्तुत किया जाता है, जिसके इर्द गिर्द हमारे टोटल वित्तीय फाइनेंशियल कंडीशन आते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम को हम चार भागों में विभाजित करते हैं। फर्स्ट सिस्टम है आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज ए फर्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तीन पार्ट हैं, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सेकेंड है आपका फाइनेंशियल मार्केट। इन द टू टाइप ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, फर्स्ट मनी मार्केट, सेकेंड आपके लिए कैपिटल मार्केट। थर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज ए थ्री टाइप्स, फर्स्ट शॉर्ट टर्म, सेकेंड मीडियम टर्म, थर्ड लॉन्ग टर्म। फाइनेंशियल सर्विस फोर्थ टाइप ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। पुनः देखे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल सर्विस। फाइनेंशियल सर्विस जो बैंकों के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं, जिसमें ICICI, FCI, IDBI, SFC, SIDBI, ऐसे बैंकों को हम शामिल करते हैं। फर्स्ट हम आपको बताना चाहेंगे फाइनेंशियल मार्केट के अंतर्गत मनी, फाइनेंस एंड क्रेडिट, होल ऑफ द सिस्टम, सभी को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। फर्स्ट आपको बताना है फाइनेंशियल सिस्टम ऑर्गेनाइज लाइक द बैंक, फाइनेंस कंपनीज, इंश्योरेंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड अदर इंस्टीट्यूशन विच इंक्लूड हैबिट द पोलिंग सेविंग इन द पीपुल्स। जो व्यक्ति अपनी बचत को रिजर्व बैंक के द्वारा ऑथराइज संस्थाओं में, अब ये कहेंगे कि क्या इंश्योरेंस सेक्टर भी ऑथराइज है, हाँ IRDA के थ्रू ये ऑथराइज्ड है। संस्थाओं में जो वो जमा करते हैं उनको बिजनेस करने में सहयोग प्रदान करते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम के अंतर्गत फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट माने जाते हैं। थ्री टाइप ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फर्स्ट है रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल सिस्टम रेगुलेटरी सुपरविजन मेनली टू टाइप ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसीज। फर्स्ट एजेंसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द लाइसेंस इन द मार्केट, नेशनलाइज्ड बैंक, नॉन नेशनलाइज्ड बैंक एंड फाइनेंशियल करेक्टर। सेकेंड इज स्टेट सेबी, स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, द इशू ऑफ द शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स एंड अदर रेगुलेटरी एक्ट थ्रू फॉलो ऑफ द फाइनेंशियल कैरेक्टर, कंपनी एक्ट 2013। इन दोनों के अलावा भी आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मिलेगी इंश्योरेंस सेक्टर के लिए IRDA। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, वित्तीय मध्यस्थ के कौन है, मोबिलाइजर, डिपॉजिटर, सेविंग एंड क्रेडिट फाइनेंस सर्विस, नॉन फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन इन दी बैंक के नहीं होंगी, इनके अलावा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्शन एक्टिविटीज, जनरल प्रोवाइड ऑफ दी सर्विस, अदर सर्विस लाइक एक्सचेंज, फाइनेंशियल असेट्स, कस्टमर प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइस, क्रिएट
क्रिएटिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी, इनके द्वारा भी आप फाइनेंशियल करेक्टर होता है। जब वहां पर आपके लिए फैक्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्री या प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर कंपनी को भी शामिल किया जाता है। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज ए टू टाइप्स, फर्स्ट डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूट, सेकेंड नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूट। फर्स्ट डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूट कॉमर्शियल बैंक, सेकेंड सेविंग एंड लोन इंस्टीट्यूट, थर्ड क्रेडिट यूनियन, सेकेंड नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूट फाइनेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटी एंड फर्म, बैंकर्स एंड ब्रोकर, पेंशन इंश्योरेंस कंपनीज एंड अदर वेराइटीज। थर्ड है आपके लिए अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रेगुलेटरी और फाइनेंशियल इंटरमीडिएट को छोड़ के। ए पार्ट ऑफ द इंटरमीडिएटरीज फाइनेंशियल सिस्टम, उसका एक पार्ट माना जाता है जिसके मार्केट को रन कराने में आवश्यकता पड़ती है। कैपिटल, वेंचर कैपिटल, मर्चेंट ऑफ द बैंक, इंटरनेशनल ट्रेड, फाइनेंस बिजनेस ऑफ द एडवाइजरी सर्विस। सेकेंड आपको है मनी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट इन द टू टाइप ऑफ द मार्केट, फर्स्ट मनी, सेकेंड कैपिटल। फर्स्ट कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल बोरोवर एंड लेंडर, फाइनेंशियल मार्केट सेंटर आर एग्रीमेंट दैट प्रोवाइड फैसिलिटीज बाइंग द सेलिंग इंस्ट्रूमेंट, शेयर, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट फाइनेंशियल ऑफ द सर्विस। मार्केट डील इन द ब्रोकर, एजेंट, लेंडर, सर्विस, बोरोवर एटसेट्रा। किन्हीं के जैसे शेयर आप डायरेक्ट किसी भी कंपनी से खरीदना चाहे तो नहीं खरीद सकते, आपके पास ब्रोकर होना अनिवार्य है। तो इनके माध्यम से ही आप इनके विषय में परचेजिंग कर सकते हैं। मनी मार्केट इज टू पीरियड, फर्स्ट शॉर्ट टर्म पीरियड, तो 31 मार्च या और 1 ईयर, लॉन्ग टर्म पीरियड 1 एंड मोर ईयर, 1 वर्ष से अधिक के लिए आप खरीदते हैं। कंपोनेंट ऑफ द मनी मार्केट, फर्स्ट कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट हाईली लिक्विडिटी ऑफ द मनी एट द टाइम कन्वर्ट ऑफ द कैश, मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट टू कैलकुलेट एंड डे टू डे एंड हावर्स टू आवर्स। कॉल मनी मार्केट हाई लिक्विडिटी ऑफ द मनी मार्केट शॉर्ट पीरियड 1 to 2 day इन दी 14 day, हाई लिक्विडिटी 1 से 14 दिन के लिए होता है। इसके अंतर्गत मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट, कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट घंटों में, आवर्स एंड डे टू डे। इंडियन कॉल मनी एक्सेप्ट विथ द स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट है ट्रेजरी बिल मार्केट, प्रोमिसरी नोट, फाइनेंशियल बिल इशूड गवर्नमेंट, हाई लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म बारोइंग। हाई लिक्विडिटी ये भी है 90 डे, 180 डे, 364 डे, 1 ईयर बिलो, 1 वर्ष से अंदर का होगा। टू टाइप ऑफ द बिल्स, फर्स्ट ऑर्डिनरी रेगुलर, सेकेंड एड हॉक ट्रेजरी, पब्लिक बैंकर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। एड हॉक बिल परचेज कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ओनली। कॉमर्शियल बैंक मार्केट
आर बेसिकली न्यूटेबल इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्टेबल गुड्स एंड सर्विस ऑप्टेन बाई दी क्रेडिट। बैंकों के द्वारा ये क्रेडिट पे दी जाती कि यदि जिसे हम बिल्टी छुड़ाना भी कहते हैं कि यदि आपने 5 लाख रुपए का माल खरीदा, गुड्स आपके पास हो गए तो वह बैंक के पास डिपॉजिट हो जाता है, आप बैंक में पैसा जमा करेंगे, माल आप अपना छुड़ा सकते हैं। ऑप्टेन दी गुड्स एंड सर्विस बिल ऑफ दी एक्सचेंज सेलर बिल टू बिल कॉमर्शियल बैंक इमीडिएट ऑफ दी पेमेंट्स। बैंक को आप पेमेंट देंगे, बिल्टी आपकी छुड़ेगी, माल आप प्राप्त करो। शॉर्ट टर्म लोन मार्केट फाइनेंशियल दी कोऑपरेटिव इन मीट वर्क कैपिटल रिक्वायरमेंट कमर्शियल बैंक प्रोवाइडिंग ओडी ओवरड्राफ्ट। यदि आपको 10 दिन 15 दिन 2 महीने के लिए पैसे चाहिए, बैंक में आप पैसे नहीं, तो बैंक आपकी गुडविल पे आपके थर्ड पार्टी को भुगतान कर देगी, उतने दिन का आपके अकाउंट्स में क्या कर देगी, ओडी कर देगी, और आप सेल करके उस पैसे को जमा कर दीजिए। जितने दिन का डिफरेंस यूज किया है आपने एसेट्स का, उतने दिन का आपको इंटरेस्ट देना पड़े। नेक्स्ट है आपके लिए कैपिटल मार्केट ऑर्गेनाइज्ड मार्केट मैकेनिज्म प्रोवाइड इंस्टीट्यूशन सपोर्ट सिस्टम फ्रॉम मार्केटिंग लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एसेट्स मैच्योरिटी ऑफ दी पीरियड। इक्विटी शेयर प्रिफरेंस शेयर म्यूचुअल फंड डिबेंचर इस टाइप में हम कैपिटल मार्केट में पूंजी लगाते हैं जो लंबे समय तक आप ले लेता, इसके बदले में आपको इंटरेस्ट भी प्राप्त होते हैं, प्रॉफिट भी मिलते हैं, आप बिजनेस ग्रोथ का भी अगर कोई बेनिफिट आपको होता है बोनस वगैरह तो वो भी आप प्राप्त कर सकते। लाइक ऑफ दी कैपिटल मार्केट कंपोनेंट डिमांड फंड दो सप्लाई ऑफ दी फंड प्रोवाइड सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ऑफ दी कंपनी हैवी पैकेज कंपनी एग्रीकल्चर सेक्टर्स इंश्योरेंस कंपनी LIC GIC ICICI FCI IDBI कंस्ट्यूमेंट ऑफ दी कैपिटल मार्केट। फर्स्ट गिल्ड ऑफ द इड्स मार्केट मार्केट बैक्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सेमी गवर्नमेंट अलाउ डिमांड बाय बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। गिल्ड एंड इड्स मार्केट के पीछे पूरे मार्केट करेक्टर में पूरे राष्ट्रीय स्तर पे बैंक आपका पीछे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खड़ी रहती है जिसके थ्रू आप व्यापार करते हैं। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट बाय दी कंपनी शेयर डिबेंचर प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट ऑफ दी स्टॉक एक्सचेंज। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्रेडिटर लाइबिलिटीज बारो पेमेंट सम मनी स्पेसिफिक फ्यूचर ट्रेजरी बिल मैच्योरिटी पीरियड कमर्शियल पेपर सर्टिफिकेट ऑफ द डिपॉजिट बॉन्ड स्टॉक इंडिकेटर्स। फाइनेंशियल सर्विस कैन बी डिफाइंड एक्टिविटीज बेनिफिट सेक्शन इन कनेक्टेड विथ द सेल ऑफ द मनी ऑफर यूज कस्टमर फाइनेंशियल रिटेलर। फाइनेंशियल सर्विस के अंतर्गत जो भी आप कार्य करेंगे वो वित्तीय सहायता आपको प्रदान करते हैं, उसके संबंध में वो लीगल एडवाइजर देता है। आज आपने मेरे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को देखा, यह फाइनेंशियल सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो टेक्निकल एंड अदर एग्जाम में डिटेल्स आपको पूछे जाते हैं। इन चारों के विषय में मैंने आपको डिटेल्स बताई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फाइनेंशियल मार्केट कैपिटल एंड मनी मार्केट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म एंड फाइनेंशियल सर्विस, इन चारों का आपने डिटेल्स देखा। इस आपने मेरे पूरे वीडियो देखे, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं।
आपसे विनम्र अनुरोध है आप अपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बिजनेस एनवायरनमेंट के चैप्टर्स और इसकी टेक्निकल ट्रिक को समझें। धन्यवाद।